हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। रागा का मॉक टेस्ट नंबर 7 है और आज से क्लासेस ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। और मंडे से 10 बजे या फिर 11 बजे, आप कमेंट करके बताओ किस टाइम पे लाइव क्लासेस कराई जाए। कोस्ट गार्ड की और एयरफोर्स की मिक्स मैथ क्लास कराई जाएगी। आप टाइम आप चूज कर लो, 10 बजे या फिर 11 बजे, ठीक है? चलो कमेंट करके बताना। और हाँ, रागा का ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है लॉन्च हो चुका है, मतलब प्री बुकिंग चल रही है। 29 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। मैं बता दूं, 29 जुलाई से पहले, 29 जुलाई को 12 बजे से पहले दोपहर के, अगर आप इसको ए टू जेड स्टडी पे बाय करते हो तो जस्ट 100 रुपीज में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएगा। बेस्ट मॉक टेस्ट, खुद से मेरा बनाया हुआ मॉक टेस्ट एग्जाम लेवल का। और इसमें ना नॉन वर्बल के क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर एग्जाम लेवल वाले, खतरनाक टाइप के, मजा आ जाएगा। और वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, जैसे बाकी मॉक टेस्ट में सब लोग क्या करते हैं वो काम नहीं कि बस सॉल्यूशन दे दिए आपको समझ आया चाहे नहीं, मैं वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा कंप्लीट इंग्लिश रागा सब का। और वीडियो देख के आप जस्ट अभी 100 रुपीज में बाई कर पाओगे, बट 29 जुलाई के बाद या फिर 29 जुलाई के 12 बजे के बाद दोपहर में इसकी प्राइस 130 रुपीज हो जाएंगी, 30 रुपये बढ़ जाएंगी। तो 29 जुलाई से पहले अगर बाई कर लेते हो तो प्री बुकिंग करके रखो, 29 जुलाई से आपको टेस्ट सीरीज मिलना शुरू हो जाएगा रेगुलर एक, ठीक है? और एक टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर पाओगे, मिनिमम 15 टेस्ट मिलेंगे। तो एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और फटाफट बाई करो। अगर ना समझ में आए कुछ तो व्हाट्सअप करके पूछ लो ना कि कैसे बाई करना है, हमारे टीम मेंबर आपको पूरी मदद करेंगे। और हाँ, डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप अगर पेड बैच लेना चाहते हो, वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो 01-2024 बैच के लिए, तो आप टेंशन ना लो, आपको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसी बैच के अंदर हम लोग कंप्लीट चीजें देंगे, इंग्लिश की कंप्लीट चीजें, ग्रामर पढ़ाई जाएगी, रागा का मैथ, रीजनिंग जी के अच्छा से पढ़ाया जाएगा। साथ में 40+ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, साथ में हमारी पेड पीडीएफ नोट्स दी जाएगी सबके अंदर। कुल मिला के 2000 बैठ जाएगा, जिसकी प्राइस हम लोग जस्ट 600 रुपये में दे रहे हैं। तो आप टेस्ट सीरीज या फिर अलग अलग पीडीएफ खरीदना चाहते हो उससे बेटर रहेगा, क्योंकि अब पीडीएफ भी आएगी तो लगभग 200 की, टेस्ट सीरीज भी लोगे तो 100 से मतलब 130 के बीच में, 330 के आसपास कोई बुक वगैरह लोगे तो अलग से लग जाता है। इसके अंदर काम भर हम लोग प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ वगैरह दे देंगे, मतलब 1-1.5 हज़ार क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहना और मजे से, आपको कोई बुक वगैरह नहीं खरीदने पड़ेगी, ठीक है? तो आप इस पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए ऐप डाउनलोड करो, कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, ठीक है? बाकी अगर एक्स ग्रुप वाले सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहते हो तो इंग्लिश की बैच भी हमारे पास है, जस्ट 250 रुपीज़ में आप इंग्लिश की बैच ले सकते हो, ठीक है? सिर्फ इंग्लिश की बैच। अभी आज आप पूछ रहे हैं इमली में कौन सा अम्ल है, भैया इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, लास्ट में कमेंट करके बताना 30 क्वेश्चन में से कितने आपने सही किए। और इंग्लिश में कौन सा एसिड पाया जाता है बताओ, तो कहोगे सर हम ना इंग्लिश सुने, इमली में सुने ना कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सही सुने हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है इमली के अंदर। फिर कह रहे हैं सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखो, एक मेटल ऐसा होता है ना जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, वो कौन सा है? मैं हमेशा बोलता हूँ लिथियम कैल्शियम नहीं है, वो सोडियम है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि मेटल क्या, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। मेटल हार्ड होता है, मेटल को पीटने पर टन टन की आवाज आती है। ये भैया हार्ड तो उतना ही होता है जितना कि इनका क्षमता होता है, चाकू दबाओगे तो कट जाएंगे, इतने भी हार्ड नहीं है जैसे लोहा होता है। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है, तो कहोगे संतोष है, फुटबॉल खेलती है संतोष, ठीक है? खेलती है या फिर खेलता है, जो भी इस तरीके से याद कर लो। संतोष क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। संतोष ट्रॉफी किसमें मिलेगा, फुटबॉल। भारत डैश के साथ अपना सीमा साझेदारी करती है, ये बताओ क्या इंडिया इंडोनेशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? ना 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 ना, मालदीव के साथ नहीं, फिलीपींस के साथ नहीं। म्यांमार, हमारा जो ईस्टर्न साइड देखोगे ना आप, ईस्ट वाला पूरा एकदम, उसके बाद आपको म्यांमार ही दिखेगा उधर। हमारे 7 सिस्टर्स में से कुछ स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करते, बहुत बड़ी पहाड़ियाँ बनती है उधर। आगे चलो, उतना डीप में नहीं जाएंगे। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे छू नहीं सकते, बताओ कौन सा भाग का कंप्यूटर को नहीं आप टच कर सकते, हार्डवेयर को, प्रिंटर को, माउस को या फिर सॉफ्टवेयर को। देखो हार्डवेयर क्या हुआ, जो भी चीजें हैं उसकी बॉडी है या फिर जो भी जिस चीज से बनता है कंप्यूटर उसको हार्डवेयर कहते हैं, और जिस पार्ट से कंप्यूटर बनता है उसको तो आप टच कर ही लोगे। प्रिंटर को भी आप टच कर लेते होगे, माउस को तो दिन भर टुक 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 टिपते रहते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर, अंदर का जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसको टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं और सारा प्रोग्राम कर सकते हैं।
करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सही है। आगे चलते हैं, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है भैया? देखो रुपी तो नहीं है, यूरो डॉलर नहीं है, रियाल है, ठीक है। चलो आज मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि आपको भी क्वेश्चन पढ़ने का समय मिल जाए। देखो 2022 में हमारी बनी थी, क्या बनी थी? राष्ट्रपति। कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू जी। वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं ये बताओ, 15वीं पूछ सकते हैं। अब रीजनिंग में पूछ रहे हैं, यहाँ पे बताओ क्या भर देंगे हम लोग, 2, 6, 14, 30 और 62। अब वीडियो को जरा रोको, पॉज करके और देखो, दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या आएगा। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ आ जाता हूँ, बिकॉज मैं पॉज हो जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, वीडियो बड़ी बन जाएगी। कि दो में हमने क्या किया कि 6 आ गया, तो ये मास्टर ये समझ में नहीं आता, दो में 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा। अच्छा बहुत खूब, लेकिन फिर अगर हम 6 में 3 से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो क्या 14 आएगा? तो ओके ना मास्टर साहब, नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अगर 2 में हम 4 जोड़ देना तो 6 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 में कितना जोड़ा कि 14 आया? तो ओके मास्टर इतना भी आपको नहीं पता, 8 जोड़ के देख लो आ जाएगा, यह पता है आपको, ठीक है। आगे देखो 14 में क्या जोड़ेंगे कि तो 30 आ जाएगा। तो ओके मास्टर 16 जोड़ के देखो आप, 16 जोड़ दिया हमने 30 आ गया। फिर 30 में देखो क्या जोड़ देंगे तो 62 आएगा। अगर तो ये और भी आसान है, 32 जोड़ दो, ठीक है। अब आगे क्या जोड़ दें? तो ओके हमको क्या पता, आपने जो पहले कर रखा था आपने बोल दिया, अब आगे आप देख लो। देखो पहले हमने 4 जोड़ा, फिर हमने 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, 32, ये कैसे चल रहा है? 4 जोड़ा और 4 का दुगना मतलब 2 टाइम्स क्या होता है 8, 8 का दुगना क्या होता है 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना क्या होगा? बोलोगे मास्टर साहब हमको सिखा रहे हो, 32 का दुगना 64 होता है। ठीक है भाई 64 जोड़ दो, तो 64 में अगर 62 में अगर 64 जोड़ोगे तो 126 आ जाएगा, आ गया ना। इसको कहते हैं नंबर सीरीज, क्या कहते हैं? नंबर सीरीज। ओके आगे चलो, ये एक रीजनिंग का चैप्टर है, मैं नाम बता रहा हूँ इसलिए ना कि पीडीएफ वगैरह बाद में आप खरीदोगे हमारी जब आ जाएगी नई पीडीएफ, तो प्रैक्टिस करने टाइम पे आसानी होगा। कह रहा है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें रैंक पर है, यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं हो तो बताइए कि राम का आरंभ से क्या रैंक है। ठीक है देखो भाई, अगर श्याम को नीचे से काउंट करते हैं तो ये 17 नंबर पे रहते हैं, ठीक है, और श्याम से आगे 7वें रैंक पे है क्या राम? ठीक है आगे 7वें रैंक पे, तो नीचे से अगर राम भाई को काउंट करे तो क्या पोजिशन आ जाएगा? 7 + 17 बोलेगे 24 नंबर नीचे से। तो कहोगे सर ऑप्शन में तो 24 नहीं, अरे भाई आगे देखो, आरंभ मतलब बिगिनिंग, और आरंभ होता है ऊपर से ना कि नीचे से। तो टोटल कितने लड़के थे? 39, ठीक है। तो राम भैया नीचे से काउंट किया तो 14 नंबर पे आ गए, तो राम के अलावा ऊपर से कितने बंदे हैं? 15। राम के अलावा इधर 15 लड़के हैं, तो राम का पोजिशन बताओ 15 और प्लस एक राम, 16th नंबर पे आ जाएगा ना, 16th नंबर पे ऑप्शन नंबर डी। क्या एकदम मजा सा है, मतलब मजा आ गया होगा समझ के, इसको समझ में आ गया होगा वो। अदरवाइज यूट्यूब पे भी हमने पढ़ा रखा है क्या कहते हैं इसको, रैंकिंग एंड ऑर्डर नाम का रीजनिंग का चैप्टर, उसमें से जाके पढ़ लो, या फिर आप पेड बैच अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हो तो रैंकिंग और ऑर्डर नामक चैप्टर के अंदर पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। 10th नंबर देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है बताओ। कह रहे राम जो है इशारा कर रहे हैं, देखो व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, तो लड़के भी लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। राम ने कहा, क्या कहा? कि उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी की, किसकी बेटी की? तो राम की बेटी की, तो राम की पहली बेटी को लाओ, और बेटी के पिता, बेटी का पिता खुद राम, और उसके बेटी के पिता का पिता मतलब राम के पिता, और राम के पिता का भाई के बारे में बात चल रहा है भैया यहाँ पे, तो राम के पिता का भाई वो राम से क्या रिलेशन लगेगा? बोलेगा वो अंकल होगा। करेक्ट आंसर डी, डी के अंदर है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक मनुष्य दक्षिण की ओर दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, ध्यान से सुनो, एक जिंदा इंसान है वो, ठीक है, जिंदा इंसान साउथ की ओर 30 मीटर चलेगा, तो जिंदे इंसान से बोलो चल भैया दक्षिण की तरफ 30 मीटर चल, सिंगल पीस में। फिर कह रहे हैं तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब देखो जब भी कोई भी जिंदा इंसान साउथ की ओर चल रहा है, राइट बोलेगा तो इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जब हम साउथ में चलते हैं तो हमारा राइट उल्टा हो जाता है, इधर हो जाएगा, तो हम लोग मतलब हम लोग नहीं, वो जिंदा इंसान जाएगा राइट मुड़कर 30 मीटर, ठीक है।
फिर कह रहा है वो जिंदा इंसान बाई ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो इधर जब जा रहे हैं हम लोग वेस्ट में तो लेफ्ट किधर होगा हमारा, नीचे की साइड। इमेजिनेशन करो आप उधर जा रहे हो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो राइट किधर है लेफ्ट किधर है। बस देखो रीजनिंग जो है ना हमारा कैलकुलेशन के साथ साथ इमेजिनेशन पे भी डिपेंड करता है, सोचते रहा करो ठीक है ना। चलो अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट में कितना, 25 मीटर। 25 मीटर जाने के बाद यहां से फिर बाई ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो फिर यहां से अब लेफ्ट जाएगा राइट की साइड 30 मीटर जाएगा, मुटरनिंग मीटर जाएगा, तो अब यहीं पे आके बी पॉइंट पे रुक जाता है, ए से चलता है। अब पूछ रहा है वह प्रारंभिक से ए से बी तक की दूरी बताओ। भाई पहले तो ये 30 मीटर और सीधा सीधा ये डिस्टेंस निकाल लोगे आप, तो ये 25 था तो ये भी 25, तो मतलब कुल मिला के 30 + 25, उस जिंदा इंसान ने 55 किलोमीटर चल दिया, सॉरी 55 मीटर चल दिया। भाई मैं भी सोचूं इतना भी कैसे कोई जिंदा हो सकता है कि 55 किलोमीटर चल दे। भाई साहब ये 55 मीटर चल रहे हैं वो, ठीक है आजकल के जिंदा इंसान के लिए 55 मीटर बहुत हो जाता है। पहले की बात ही और थी, दशरथ मान लिए थे दिल्ली तक पहुंच गए थे बिहार से पैदल। आगे चलो 12 नंबर, फिर कह रहा है 35 + 48 की वैल्यू अगर 40 कर दें तो 23 + 34 का मतलब 24 कर दें, 15 + 25 का मतलब 26 कर देंगे हम, तो 14 + 21 का क्या कर दें बताओ मास्टर, आप बता दो। बाकी तो हमने कर ही दिया, आगे आप बता दो। ठीक है चलो हम बता देते हैं, वैसे आप कोशिश कर लो ठीक है अपनी शादी ब्याह के लिए कि आप पढ़ोगे तो आपका शादी जल्दी होगा। आगे देखो अगर 35 को 48 के साथ जोड़ेंगे तो किसी भी जन्म में, इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो, दो चार पाँच साल मतलब 2-4-5 बार भी आप जन्म ले लो ना, तो 40 नहीं बनने वाला। तो अगर नहीं बना तो फिर दिया का है अभी। ठीक है देखो हमने किया क्या है ना, इसके अंदर 3 को ना 5 में ऐड कर दिया, उसके बाद 4 को ना 8 में ऐड कर दिया, क्या बनेगा ये बताओ। 8 + 12 दोनों मिलके बन गया 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40 बन जाएगा। अच्छा मास्टर साहब ऐसे किया आपने, सीधे सीधे बोल देते हाँ यही काम किया। वैसे करके देखो 23 + 34 इज इक्वल टू, जब 24 ला रहे हैं ना हम लोग इसमें भी वही कांड करेंगे, 2 + 3 को ऐड कर दो प्लस 3 + 4 को जोड़ दो, क्या बनेगा 5 + 7 = 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24। कहोगे ऑटोमेट साहब आपकी जरूरत नहीं है हम खुद से कर लेंगे, अब फिर भी एक एहसान कर देता हूँ आगे करके, 15 + 25 = 26 करना है, तो 1 + 5 करोगे ना यहाँ पे प्लस में 2 + 5 करोगे हो जाएगा 6 + 7 = 13, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 26। ठीक है भाई हो गया। चलो आगे जो अपना इंपॉर्टेंट था 14 + 21 क्या कर दें इनका, 1 + 4 कर दो प्लस में 2 + 1 कर दो, 5 + 3 हो जाएगा 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16 आ जाएगा। कहोगे आप क्या कर रहे हो आपसे पहले करके बैठे हुए है ना, हाँ क्योंकि मैंने हिंट दे दिया था। बाकी अगर मेरे हिंट देने से पहले बना लियो तो फिर आप तेजस्वी हो, बिहार वाले नहीं रियल वाले। देखो 13 नंबर, देखो बी ई जी के का संबंध है ए डी एफ जे, ठीक है उसी प्रकार पी एस वी वाई का संबंध है किससे है ये चीज बताओ आप। भाई देखो पहली बात ना बी ई जी के इनको हम नीचे लिखते हैं बी ई जी के, ठीक है फिर कहता है ए डी एफ जी, जब इस इंसान का संबंध इसके साथ हो सकता है तो PSB का संबंध PSBY का संबंध किसके साथ होगा, जो कुछ नहीं किया -1 -1 -1 -1 एक एक बार पीछे गया है, तो इसमें पीछे जाओगे तो O आएगा, P से पहले O आता है, S से पहले क्या आता है R आता है, B से पहले क्या आता है U होता है, और X Y से पहले क्या होता है X होता है, तो ORUX ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, कह रहा है बताओ किसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, डिसअपॉइंटमेंट का यूज करके इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं। बोलोगे ना कि देखो सर पढ़ते पढ़ते समझ में आता है पॉइंटर इसके अंदर है, पॉइंटर पॉइंटर के अंदर आर आ रखा है, आर आ रहा है इसके अंदर तो आर है ही नहीं, तो फिर इसको बना ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है तो करेक्ट आंसर डी है। चलो 15 नंबर क्या रहा है बताओ मेरे को, सूर्य चंद्र और अणु मतलब सन मून और मॉलिक्यूल इसका एक वेन डायग्राम बताओ। देखो दुनिया में जो भी चीजें हैं ना वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है चाहे वो सूर्य है चंद्रमा है आप हो आपका कोई है मतलब जो भी है मतलब जो भी है हर कुछ, आपका कपड़ा है आपका पेन है आपका मोबाइल फोन है आपकी आपकी कोई है, तो वो सभी चीजें मॉलिक्यूल से लेके बनी हुई है। ठीक है तो ऑब्वियसली जो भी चीजें मॉलिक्यूल के अंदर आएंगी चाहे वो सन है चाहे चांद है आपका ठीक है मून है, करेक्ट आंसर क्या है सी है। ओके आगे देखते हैं, फिर कह रहा है अगर घड़ी में 3:30 बजे 3:30 बजाती है उसके घड़ी में हमने,
तो बताओ यदि मिनट की सुई को उत्तर पूर्व कहते हैं तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? भाई पहली बात तो ये देखो, तीन क्या होता है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे तो घंटे की सुई 3 पे होगी और मिनट की सुई नीचे 6 पे होगा, तभी 3:30 बनते हैं। अगर आपने जिंदगी में, अपने इस जिंदगी में कभी भी एक बार भी घड़ी देखा होगा ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 3:30 ऐसे ही बचता है। तो भाई अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो ये घड़ी जो है ना ईस्ट एंड साउथ के बारे में बता रहा है। तो साउथ को कह रहा है ना ये मिनट की सुई को, कि ये साउथ नहीं है, ये क्या है भाई, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। मतलब उसको कितना डिग्री आगे बढ़ा के बोला गया, 135 डिग्री आगे बढ़ा के बताया गया। तो कह रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई तो यहाँ पे ईस्ट में है, ठीक है। मतलब ये जो साउथ में जिसको लाया गया है उससे पीछे गया हमने 135 डिग्री, तो वो डायरेक्शन था। जैसे साउथ ईस्ट को क्या कहते हैं, साउथ को नॉर्थ ईस्ट कह रहा था ना, तो नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली इसके 135 डिग्री पीछे होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से मतलब इस यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगा, अभी एक्चुअली ईस्ट को भूल जाओ, अब ये ईस्ट सोच रहे हो, पूर्व तो वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे वही डायरेक्शन होगा जब एक्चुअल 135 डिग्री पीछे जाएंगे, तो एक्चुअली 135 डिग्री यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे तब मिलेगा। तो ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, जिसको ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना ये कोई क्लॉक व्लॉक नहीं है, क्लॉक के नाम पे इसका दोगलापन है। एक्चुअली ये ना डायरेक्शन नाम का चैप्टर है, उसी के अंदर ये डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्लॉक के अंदर मिक्स करके ना लोगों को मतलब उतने टाइम बर्बाद करने के लिए दिया जाता है ये सब चीजें। आगे देखो 17 नंबर है, यदि काला को पीला, पीला को नीला, नीला को हरा, हरा को सफेद और सफेद को लाल कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होगा? क्योंकि दूध का रंग हम बचपन से पीते आ रहे हैं भैया, व्हाइट होता है। लो भाई लो, इसी पे मिलेगा आपको -0.25। ओके, इसका क्या मतलब निगेटिव मार्किंग मिल गया भाई, दूध का रंग व्हाइट नहीं होता है। बोलोगे तो मास्टर गलत पढ़ाते हो, भैया दूध का रंग व्हाइट होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आप बात कर रहे हो दूध का रंग व्हाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना कि दूध का रंग व्हाइट होता है, लेकिन व्हाइट को कहा क्या गया है? तो कह रहा है सफेद को लाल कहा जाता है, व्हाइट इज कॉल्ड रेड, तो दूध का रंग लाल हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक ऑप्शन छुप गया था आपके नजरों से, उसको शर्म आ रहा था, काला को बेचारा छुप गया था, वैसे ये करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। चलो, कह रहा है दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले संख्या पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक है। मान लेते दो लगातार संख्या x और y है, ठीक है। पहले संख्या का जो 3 गुना है ना 3x, वो दूसरे संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो ये सवाल तो भैया हम बेसिक से नहीं बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो x की वैल्यू को हम 5 रखेंगे, y की वैल्यू को 6 रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको पहले में, तो मिल जाएगा 15, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये 6 दूनी 12, तो 15 में से 12 घटाओगे तो आपको जो 3 मिल रहा है, जबकि x में से y मतलब 3x और 2y को घटाना पे हमको क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं करता अपने को। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, अगर x बराबर 6 और y बराबर 7 रखोगे तो 2 3x का मतलब क्या हो जाएगा, 18, और 2y का मतलब 14। तो भैया ये घटाने पे कितना आ रहा है, ये तो 4 आ रहा है, भी नहीं आ रहा, अपना खेला खत्म। सी को रख के देखो, x बराबर 7 और y बराबर 8, एग्जाम में जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लो, तो 7 21 और ये 8 2 16, तो आंसर आ गया 5। लो भैया आ गया आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि पहले का 3 गुना कर लो और दूसरे का 2 गुना करके माइनस करा लो, अगर उनकी बीच का डिफरेंस 5 आता है तो आपका आंसर सही है, ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। आगे चलते हैं 19 नंबर, देखो 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती हैं। बाप रे बाप, 50 दिन में पूरा करती हैं, यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो वह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा? और इसको मैं कहता हूँ 90% लोग गलत आंसर करेंगे, एग्जाम में अगर होता ना तो ये 90% लोग गलत आंसर करते अति उत्साहित होके, ठीक है। ज्यादा उत्साह में और भावनाओं में नहीं बढ़ बह जाना है। मान लेते हैं आपका कोई है भावना नाम का, या फिर भावना नाम की कोई है, बट उसकी भावनाओं में बहना नहीं है, मैथ के क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है। जैसे मैं बताता हूँ क्यों आप गलती करोगे, 9 विमेन जो है 50 डेज में कंप्लीट करती थी, तो 6 और बढ़ा दे तो 9 + 6 15 हो जाएगा, 15 विमेन x डेज के अंदर कंप्लीट करेगी,
तो 5 के टेबल से 3 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में कटेगा और ये 3 से 9 x बराबर 30। तो आप पटाक से आंसर करोगे, लो भैया 30 आंसर आ गया। आप कोई है मई कला जो गलत कर दे? मैं बोलता हूँ आप गलत हो। क्यों? क्योंकि तो आप x डेज में वो तो पूरा कर रही है काम, ये आपसे नहीं पूछा कि पूरा कितने दिन में हो जाएगा। बोलोगे माथा मत खराब करो, क्वेश्चन में लिखियो पूरा हो जाएगा, ये पूछ रहा है कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो पहले जो होता था डे वन 50 डेज में पूरा होता था, डे टू जो आया 30 डेज में पूरा हो रहा है, तो कितना दिन बच रहा है? तो 20 डेज बच रहा है ना, तो 20 डेज की सेविंग्स होगी, बचत होगा कितना दिन पहले? तो पहले की तुलना में 20 दिन पहले कंप्लीट कर रहे हैं, वो पूछ रहा है भाई। करेक्ट आंसर ये सही है हमारा, ना कि ये। बात समझ में आ गया? बी सही आंसर है। तो भाई मैं कह रहा हूँ भावनाओं में नहीं बहना है, क्वेश्चन को बढ़िया समझना है। 20 नंबर देखो, कह रहा है ए की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ। पहली बात तो ये टेन स्क्वायर ए में क्या लिखोगे? टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। कहोगे सर क्या अनुठंगी चल रहा है इसमें, क्या है इसका आंसर? एक रख दो, का एक रख दे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है भैया। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज डिफरेंट थिंग, तो इनका अलग अलग फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला को रट के पूरा ट्राइगोनोमेट्री नहीं बनता। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करो, टेन स्क्वायर टेन 30 की वैल्यू क्या होती? कहोगे 1/√3 होता है, और इनका स्क्वायर करोगे। कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1/3 प्लस में 3 करोगे तो ये 3 जा 9 प्लस 1 10/3 हो जाएगा। ये इनका करेक्ट आंसर है। अब कहोगे सर हमको तो ना वैल्यू याद ही नहीं होता है। भैया देखो, वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, उसमें कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सबकी वैल्यू ना 0 से 90 तक का आपको याद करना पड़ेगा। ओके, आगे चलो। 21 नंबर क्या है ना कि 1, 2, 10, 18, 3, 17 और 19 का पूछ रहा है ना, माध्य बता दो, माध्य क्या हो जाएगा? देखो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ समझ में आना होता है। आपसे माध्यिका नहीं पूछा है, ठीक है, मीडियन नहीं पूछा आपसे, ना मीन पूछा मतलब एवरेज। कहानी को थोड़ा सा घुमा के दे सकता है। जब मैं एवरेज पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भैया देखो, इसी को ना माध्य के तौर पे भी देखे सवाल पूछा जाता है। तो आपसे माध्य पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। माध्य कैसे निकालेंगे? तो सबको जोड़ के जितने हैं से उतने से डिवाइड कर दो। टोटल 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 से डिवाइड मार दो। ये 17 है, थोड़ा सा हमने डिजाइन में इसको डिस्को डांस कराते हुए लिख दिया 17 को, ऐसा फील हो रहा है जैसे 17 डिस्को डांस कर रहे हैं। सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 17 3 मिलके कितना बनेगा? 20। ठीक है, 19 और 1 मिलके कितना बनेगा? 20। 17 3 मिलके बनेगा 20, और 18 और 2 मिलके बन जाएगा 20। ठीक है, ये 18 2 मिलके मिल जाएगा 20। तो 20 3 60 और एक अकेला बचा 10, तो मतलब ये 70 70/10 70/7 10 हो जाएगा। तो ऐसे मत जोड़ने लगना, 1 2 10 18 3 ऐसे करके जोड़ोगे ना तो फिर माथा खराब हो जाएगा एग्जाम में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, दो दो का पेयर बना लो और लास्ट में मजे मजे में कर लो, जो चीजें पॉसिबल है उनको करो। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा था? ऑप्शन 1। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ना कि 4, 8, 7 and 1 का चतुर्थ अनुपाती बनाओ। देखो MTS से CGL तक, एयरफोर्स में भी, FCAT में भी ये सवाल पूछता है। ठीक है, और हमने फ्री में भी और पेड बैच में भी दोनों में ये चीजें पढ़ा रखी है। चतुर्थ अनुपाती बताओ या फिर चतुर्थ समानुपाती बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शनल या फिर द ये मतलब इंग्लिश में कुछ गलती लिखी है, क्वाड्रेचर कह लो या फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल कह लो, सब सेम चीज़ है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को? BC, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, BC बाई A बोल रहा हूँ, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बी की जगह पे, ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 8 है, सी की जगह पे 7 है। ये 4 फॉर्मूले मैंने लिखा था ना, प्रथम चतुर्थ क्या कहते हैं समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय और मतलब वही प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, मतलब वही बीच में कहते हैं मध्य समानुपाती जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है भाई, नाम मैंने बोल दिया फ्लो फ्लो में। तो उन सब का फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्यों बैठे हैं? BC का वैल्यू रख दो, B की वैल्यू 8 होती है, C की वैल्यू 7 है, और A का वैल्यू इतना कटा लो 2 से 14 आ गया। सबसे ईजी क्वेश्चन होता है, अगर पता है ना तो बड़ा ईजी होता है। अगर ये सारे फॉर्मूले नहीं याद है ना, प्रथम जैसे करके, मध्य तृतीय ऐसे करके, जो भी चीज़ें, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर बैठ के ताकते रह जाओगे टुकुर टुकुर। अगर फॉर्मूला पता है तो फट से बना के निकल लोगे। ओके,
23 नंबर कह रहा है, देखो तीन अलग अलग प्रवेश परीक्षा लिखने वाली उम्मीदवारों की संख्या 4:5:6 के रेशियो में है। उम्मीदवारों मतलब भैया कैंडिडेट्स की संख्या क्रमशः 40%, 60% और 85% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई संख्याओं का रेशियो बताओ। जब भी किसी रेशियो को परसेंट में बढ़ाते हैं ना तो कुछ नहीं करते। 4 का 40% बढ़ाना है तो 100+40 कर दो 140। रेशियो 5 का 60 ना तो 160 कर दो। अब फिर कह रहा है 6 का 85 ना तो 185 कर दो। और इनको कटाओ कटाओ जितना कटता है कटाओ। 5 के टेबल से 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 4, ठीक है। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, ये 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, ठीक है। और किसी से 2 के टेबल से कटेगा, 2 × 3 = 6, 16 बार में कटेगा, ये 14 बार में, 14 × 6 = 56, ये हो जाएगा 16×5 = 80 और 37 × 3 = 111, ये 56, 80 और 111 करेक्ट आंसर, ठीक है। इनका रेशियो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, पढ़ा पढ़ाया चीज है भाई। आगे देखते हैं, एक त्रिभुज की परिमाप 200 है, क्या है 200 मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, यूनिट हो सकता है, कुछ भी है, 200 है, ठीक है। यदि दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। मान लो जो बराबर है, इक्वल साइड्स हैं जो, ठीक है, इक्वल साइड्स जो है ना उनकी वैल्यू x है, तो मान लो दो साइड है तो s1 हो जाएगा x, s2 हो जाएगा x, और जो थर्ड साइड है उसको हम लोग क्या मानेंगे, वो मतलब बराबर भुजाओं से 20 ज़्यादा है तो x प्लस 20, s3 बराबर x प्लस 20, तो उनका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ो, x को x प्लस 20 को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू 200 आनी चाहिए, तो 3x प्लस में 20 बराबर 200, ठीक है, तो 3x बराबर हो जाएगा 180, x बराबर 60। तो कह रहा है ना कि बताओ वो भुजा, थर्ड भुजा की वैल्यू बताओ, तो थर्ड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 20, तो 60 प्लस में 20 बराबर 80, करेक्ट आंसर 80, ऑप्शन नंबर सी। और जितना मैंने यहाँ पे खिचड़ी किया उतना बड़ा नहीं करना, मैंने ये सभी चीज़ें समझाने के लिए लिखा है, ढोंग है ये सब, ये ढोंग आप लोग मत करना। और देखो थर्ड साइड लिखना है, x प्लस 20 लिखना है, पहले जब लिख ही रखा था तो फिर ढोंग किया मैंने लिख के, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा। आप एग्जाम में इतना चीज़ें नहीं लिखा करो, आप जितना कम चीज़ों को लिखो और जल्दी जल्दी माइंड में कैलकुलेशन करो। 25th नंबर कह रहा है 2/9 प्लस में 3/5 है, इनको अगर हम डिवाइड मार देंगे 2/9 प्लस 2/5 से तो वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। तो इनका 9/5 का एलसीएम होता है 45 और 5×2 = 10 और 5×3 = यहाँ पे गलती किया हमने, 9×2 = 18 होना चाहिए, देखो गलती हमने दोनों साइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका 10 और ये हो जाएगा 9×3 = 27, ठीक है। एलसीएम लेते हैं ना वहाँ से, फिर हो जाएगा ये, फिर एलसीएम 45, 9×5 = 45, 5×2 = 10 और 9×2 = 18, तो 45 कट गया, ये 37/28 है क्या, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो ये जो खैर मैंने इसको सिंपली लिख दिया, ये सिंप्लीफिकेशन है, और रेगुलर कम से कम 5-10 क्वेश्चन बनाते रहो, आपको 2-3 फायदे होंगे, कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट होगा और एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के सवाल जल्दी बनेंगे, ठीक है। जरूरत नहीं है कि आप किसी एक पीडीएफ से पढ़ो कोर्स, मतलब सिंप्लीफिकेशन आप जनरली ना गूगल सर्च कर लो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन और बनाते रहो, आराम से आपको ढेर सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, जितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो उतना बनाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा बताओ ये वाट की जगह पे क्या होगा, देखो वाट की जगह पे ना क्या होगा, ये थोड़ा सा शर्मा के बेचारा इस तरीके से हो जाता है तो इसका क्या करें हम, ठीक है। अब ये ऊपर में जो हाफ डार्क था वो नीचे आ गया है, ठीक है, और इसके जो नीचे हाफ डार्क है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में डार्क देखो ए में है, सी में और डी में, तो बी में तो होगा नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। और एक बात रही, देखो पहले फिगर की अगर बात कर ले तो ये डार्क वाला पोजीशन देखो यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरे वाले में डार्क वाला पोजीशन देखो यहाँ पे आ गया, बात समझ में आ रहा है, ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ आ रहा है ना पीछे, ये एंटी क्लॉकवाइज गया है 135 डिग्री, तो वही काम इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। पहले से इसमें ये वाला पार्ट यहाँ पे है, 20 क्लॉकवाइज इसको ले जाओगे आप 135, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, ठीक है, देख लो, मतलब ऐसे ऐसे करके, ऐसे में डार्क वाला कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, देख लो ना, अगर करोगे तो यहीं पे मिल रहा है ना ये डार्क वाला। मैं ज़्यादातर ग्राफ की मदद से नॉन वर्बल बनाने में काफ़ी आसानी रखता है, और मैं पढ़ाता भी हूँ ग्राफ की मदद से ही,
ताकि ग्राफ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जगह फायदा मिलेगा, रीजनिंग में बहुत ज्यादा, पूरा नॉन वर्बल में भी और डायरेक्शन में भी और कभी कभार क्लॉक में भी, ठीक है। चलो आगे कह रहा है, इसकी बताओ इसकी क्या कर दें हम। ये देखो एक बाहर बड़ा सा स्क्वायर था, वो नीचे आके तीन बार हो गया स्क्वायर, और जो तीन बार सर्कल था वो ऊपर जाके सिंगल अखंड सिंगल हो गया, ठीक है। वैसे जो यहाँ पे अखंड ट्राइंगल सिंगल है वो नीचे जाके तीन बार बन जाएगा, और ये जो एल साइज का तीन बार है वो एक बार बन जाएगा ऊपर जाके, क्लियर है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। आगे चलो 28th नंबर है, ये तीन बिंदु यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे तीन लाइन है, तो बस कुछ नहीं किया, बिंदु को वहीं छोड़ दिया और रेखा को नीचे भेज दिया, मतलब तीन सहेलियां जो बिंदु नाम की तीन सहेलियां थी ऊपर रहेगी और उनकी तीन सहेलियां रेखा जो थी वो नीचे आ गई। वही काम करना, ये दोनों बिंदु को छोड़ के रेखा को पीछे मोड़ दो, ठीक है। अगर किसी का बिंदु या फिर रेखा नाम है तो भड़क मत जाना मेरे पे, मेरे को नहीं पता किसका नाम है, ठीक है। करेक्ट आंसर सही है इसका भी। 29th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जो फोटो यहाँ पे है वो कैसे बन जा रहा है, तो इसको देखे यहाँ पे बनाओ, ठीक है। तो देखो जो फोटो यहाँ पे है ना वो एक्चुअली नीचे में यहाँ गया एज इट इज, तो जो फोटो यहाँ में है ना ये डॉट 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 और यहाँ पे एक अंडा ऐसे रख दो, तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, सिंपल सा लॉजिक था। एक फोटो को पकड़ो और बनाओ। लेकिन पेड जो हमारा इस बार हमने जो इस बार का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया ना उसके अंदर नॉन वर्बल थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा है, ये सब काफ़ी हद तक ईजी है। अभी जो नया वाला मॉक टेस्ट आ रहा है हम लोग का एप्लीकेशन पे, ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया उसमें डिफिकल्ट डिफिकल्ट थोड़ा डाला और सॉल्यूशन में समझाया भी है इसका। अगर हम वाटर मिरर करेंगे तो कैसे फोटो बनेगा ये चीज़ बताओ, वाटर मिरर में कैसे फोटो बनेगा। तो जनाब वाटर मिरर में ऊपर की चीज़ें ना नीचे आ जाती हैं, तो जो चीज़ें लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगी। ये ऊपर ट्रायंगल तो आने की पॉसिबिलिटी थी और यहाँ पे ये आने की पॉसिबिलिटी थी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ना नीचे आके उल्टा दिखेगा, ये सीधा नहीं आना चाहिए था, तो ये गलत है, ये सीधा नहीं होगा, गलत है। अब या तो तीन या तो चार, इसी में से कोई एक होगा। और यहाँ पे क्या किया, ट्रायंगल और इन दोनों को देखो साथ साथ में बैठा दिया, लो गप लड़ाते रहो। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 30 नंबर, कमेंट करके बताओ कितना स्कोर किया, और बाकी टेस्ट सीरीज ए टू जेड स्टडी को डाउनलोड करो एप्लीकेशन को और वहां से टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर आप पेड बैचेस लेते हो तो टेस्ट सीरीज जो होती नहीं, आप पेड बैचेस लेके आराम से सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। बाकी अगर आप सिर्फ इंग्लिश बाय करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और देखो एक सबसे बड़ी बात ना, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैसे सब्सक्राइब करना मैं बताता हूँ, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे क्या ना, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @A2Z Study, वहाँ पे कभी कभार क्विज के क्वेश्चन डालता हूँ फ्री वाली, इंपॉर्टेंट PDF और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देते रहता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।